जी, बिहार में काराकाट सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उस सीट पर भी आप एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे? काराकाट से दूर दूर तक हमको कोई नेता अभी तक आया नहीं है, ना हम जाना चाहते हैं। ईश्वर करे हर कोई आगे बढ़े, यही कामना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब अक्षय सिंह से सवाल किया गया कि काराकाट से क्या आप एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, तो अक्षय सिंह ने साफ तौर पर बोल दिया कि मुझे वहां से न्योता नहीं मिला है और मैं नहीं जाना चाहती हूं। जी हां, अक्षय सिंह ने कहा कि मैं वहां जाना भी नहीं चाहती हूँ, यानी कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करना चाहती है अक्षय सिंह, जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो देख लिए। आप सभी को बता दो कि अक्षय सिंह 7 मई को कानपुर में जो कि रोड शो की है अक्षय सिंह और मोनाली साहब बीजेपी प्रत्याशी के लिए, और वहां पर उनसे सवाल किया गया कि बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर जो कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे, क्या आप वहां एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगी कि नहीं जाएंगी। इस पर साफ तौर पर अक्षय सिंह ने बोल दिया कि वहां से मेरा कोई भी नाता नहीं है, जी हाँ वहां से मुझे भी कोई भी न्योता नहीं मिला है और मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, यानी कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करना चाहती है अक्षय सिंह। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अक्षय सिंह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। यदि अक्षय सिंह पर यह दबाव बनाया गया कि नहीं आपको आना है उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करने, तो अक्षय सिंह जा भी सकती है। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने उतर चुके हैं अक्षय सिंह, और अक्षय सिंह से एक और सवाल किया गया कि इस बार किसका सरकार बनेगा, तो अक्षय सिंह ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि अब की बार 400 पार फिर से एक बार मोदी सरकार। जी अक्षय सिंह ने यहां तक कहा, यानी कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में अक्षय सिंह उतर चुके हैं। हो सकता है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी यदि अक्षय सिंह को बुलावा जाए, उनको न्योता जाए, तो अक्षय सिंह आ भी सकती है। फिलहाल में अक्षय सिंह मना कर दिए हैं, मैं काराकाट नहीं जाना चाहती हूं। तो आप लोग का क्या राय है अक्षय सिंह के इस इंटरव्यू के बारे में, अपना राय जरूर ही कॉमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।